हम तो लाला एक ही नजरिया से देखते हैं, इंसान सबसे बड़ा धर्म है। हमारे पास हिंदू आ जा, मुसलमान आ जा, सबको एक ही नजरिया से देखते हैं। और हमारी कहन कौन मानता है, हम तो दुनिया भर का समझाते हैं पर नहीं लोग बाग मानते। टीवी चैनलों के माध्यम से मेवात की बदनामी की जाती, कैसा मानते हैं आप? नहीं तो ये लगा ले, किसी हिंदू में बदमाश नहीं है, उग्रवादी हिंदू में नहीं है क्या? बाबा क्या नाम है आपका? हमारा नाम है सेवानाथ। सेवानाथ, अच्छा आपका जो मंदिर है कौन सी जगह मंदिर है, किस नाम से आपका मंदिर? ये हमारा मंदिर है साईं धाम के नाम से। साईं धाम के नाम से, कौन सी जगह पे है ये? धोबी घट्टा ते पूरे कु है, पुलिस चौकी के पास में। हाँ, फिरोजपुर जिले का, फिरोजपुर जिले वादियों में। हाँ तो बाबा, अगर मेवात में आपको कितने दिन हो गए यहाँ रहते रहे? यहाँ करीबन हमें 10 साल हो गए। 10 साल, तो कुछ लोग मेवात के भाईचारे में दखल अंदाजी करते नजर आते हैं। कुछ लोग कहते हैं कि भाई यहाँ तो हिंदू मुस्लिमों में आपसी टकराव होता है, यहाँ पे तो हिंदू मुस्लिम आपसी लड़ते हैं, तो आप किस नजरिए से देखते हैं? 10 साल में आपने ऐसा क्या देखा है मेवात? हम तो लाला एक ही नजरिया से देखते हैं, इंसान सबसे बड़ा धर्म है। हमारे पास हिंदू आ जा, मुसलमान आ जा, सबको एक ही नजरिया से देखते हैं और एक ही नजरिए से हम दवाई देते हैं। वैद्य हैं हम। जी, किस चीज की दवाई देते हो? सारी चीजों की दवाई देते हैं, कोई भी बवासीर हो, पथरी हो, कोई चरम रोग हो, कोई भी रोग हो, नस विरोक हो गई हो, कुछ कोई भी रोग हो, सबकी दवाई देते हैं। तो आपसे संपर्क कैसे किया जा सकता है? वो संपर्क तो अपने आप हो जाता है, जब जो है दवाई ले गया, एक आदमी दवाई ले गया, वो जो है उसके आराम हो गया तो वो औरन से कहेगा वहां चला जा, ऐसे ही आते हैं, ऐसे ही संपर्क कहाँ कहाँ तक खबर पहुंच जाती है। तो इधर से आए थे कोटा बूंदी माऊ से, एक जो काफी दूर से आए थे, कार करके आए थे वो लोग, रात के 3 बजे जगाए थे एक बार पंडित हम। तो समाज की अगर बात करें, हिंदू मुस्लिम मेवात में भाईचारा आपको कैसा देखने को मिलता है? हमें तो लाला साहब बढ़िया मिलता है, आपा सही चाहिए, दोस्त किसी में नहीं होता, आपे में दोस्त होता है। घृणा हम करेंगे तो वो हमसे पहले घृणा करेगा। अपनी तरफ से क्या संदेश देना चाहोगे जो हिंदू मुस्लिम भाईचारे को तोड़ने की बात करते हैं? उनको तो हम ये संदेश देने चाहेंगे कि हिंदुस्तान में जो रह रहा है वो हिंदुस्तानी है, सब भाई मिलके रहे तो अच्छा है। हम तो ये इस नजर से देखते ही नहीं, कभी हिंदू आ जाए वही बर्ताव रहता है, मुसलमान आ जाए वही बर्ताव रहता है, हमारा तो एक ही बर्ताव है इंसानियत का। यानी कि इंसानियत का सबसे बड़ा पैगाम, सबसे बड़ी पैगाम है इंसानियत का, आदमी जो है उसमें नहीं चले मैं हिंदू हूँ मैं मुसलमान हूँ। अच्छा, बाबा एक चीज जो हमारे जहन में, जो यहाँ हमारे दिमाग में चीज आई आपकी कुटिया पर हम आज आए हैं, तो यहाँ पे साईं बाबा की हमने प्रतिमा देखी है, आपने साईं बाबा की लगा रखी है, कोई भगवान कृष्ण की लगाता है, कोई भगवान शंकर की लगाता है, पता नहीं कोई हनुमान की लगाते हैं, तो तरह तरह की अपने एक अलग आस्थाएं होती है। आस्थाएं होती है। तो आपने क्या सोचकर साईं बाबा की यहाँ पे लगाई? हमने तो ये सोच के लगाई साईं की मूर्ति, कि यहाँ साईं का मंदिर वहां से लेके पूरे वहां से लेके यहाँ तक मंदिर ही नहीं है कोई साईं का। जी जी, तो संदेश दिया था साईं बाबा? संदेश क्या है, यही संदेश है, अपना भजन करते हैं, पाठ पूजा करते हैं अपना, जो है और क्या संदेश है, यही संदेश है। मन में कहां से आया कि भाई मैं साईं बाबा पर अपना विश्वास प्रकट करूं या साईं बाबा को अपना? देखो जिसको जिस पर विश्वास है, जी जिस साधु को, अब हमें बाबा जी हैं, हम किसी भी मंदिर पर रह सकते हैं, किसी भी की पूजा पाठ कर सकते हैं। हमारे लिए साईं भी ऐसा ही है, बजरंगबली भी ऐसा ही है, जिस जैसे मंदिर पर जिसकी मूर्ति होगी उसी का जो है भजन करते रहेंगे, चीज एक ही है लाला, बाकी नाम अलग हैं। कहते हैं ना ईश्वर अल्लाह एक ही नाम, सबको संबंध दे भगवान, तो एक ही चीज है, बाकी सोचने वाले की जो है बुद्धि का फेर है, ये आदमी की सोचने की बुद्धि का फेर है, शक्ति एक ही है। मेवात के युवाओं की बात करें, युवा भटक चुके हैं, कोई नशा करते हैं, नशे के आदि युवा हुए हैं, तो अपनी तरफ से क्या मैसेज देना चाहेंगे आप एक साधु होने के नाते? मैसेज तो लाला ये कि ये हमारी कहन कौन मानता है, मान जो हमारी कहन कौन मानता है, हम तो दुनिया भर का समझाते हैं पर नहीं लोग बाग मानते, समझे, लोग बाग नहीं मानते, क्योंकि जिसको नशे की आदत पड़ गई ना वो नशा ही करेगा। ऐसा कोई आपके पास ऐसी कोई दवाई है नशा छुड़वाने वाली जैसे? अरे दवाई क्या, दवाई तो अपनी जो है अंदर की, जो अंदर आत्मा है,
इनको कंट्रोल में कर ले, दवाई कुछ नहीं कर सकती। अपनी इच्छाओं को दफन कर ले, नशा अपने आप छूट जाएगा अगर छोड़ना चाहेगा तो, नहीं छोड़ना चाहेगा तो लाला उसको तो दवाई दे ले चाहे कुछ भी कर ले। साईं बाबा इसके इतिहास के बारे में थोड़ा हमारे दर्शकों को बताइए। इतिहास के बारे में क्या बताएं लाला, ये भी हमसे ही कोई फकीर हो दुनिया में घूमता था, इसको दीपक जलाने के लिए तेल नहीं मिला था, इसने पानी से दीपक जलाए थे। पानी से कैसे जलाए? पानी से दीपक जलाए थे। इसका कोई पता नहीं है कहां से आया कहां गया, कोई पता नहीं है। सीडी में आया था ना, कोई पता नहीं कहां से आया कहां का है, कोई पता ठिकाना नहीं था इसका, कोई ठिकाना नहीं, कोई ठिकाना नहीं, दर्ज नहीं इसका ठिकाना कि भाई फलानी जगह से आया। हां सीडी में ताले नहीं लगते हैं, दुकानों से जहां इसका मंदिर है ताले नहीं लगते। अच्छा। जब तेल तेल नहीं मिला था दीपक को लिए, अब उस मूर्ति पे देखो कितना सोना चढ़ा हुआ है, बहुत सोना चढ़ा हुआ है। सवाल बाबा आप मेवात में रहते हैं, आपको मेवात में रहते हैं आप कैसा महसूस होता है मेवात? बढ़िया महसूस होता है लाला, हम दुनियादारी से क्या मतलब है। मेवात में तो हिंदू मुस्लिम का झगड़ा होता है, मेवात में जो लोग जाते हैं उनको काट देते हैं, या मेवात में तो यानी कि तरह तरह के जो ये आजकल टीवी चैनलों के माध्यम से मेवात की बदनामी की जाती, कैसा मानते हैं आप? नहीं तो ये लगा ले किस हिंदू में बदमाश नहीं है, उग्रवादी हिंदू में नहीं है क्या? उग्रवादी हिंदू में भी है, मुसलमानों में भी है, सब में सब धर्मों में जो है उग्रवादी है, सामाजिक तत्व है। हाँ किस धर्म में नहीं है? शैतान तो सब है, शैतान तो सब में धर्म है, कौन से धर्म में नहीं है शैतान? बाबा आपको किसी ने यहाँ पर कोई परेशानी वरेशानी तो आपने को किसी ने नहीं किया यहाँ पर? नहीं हमें कोई परेशान नहीं करता लाला। हाँ